नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको किसान टॉर्च नैनो टॉर्च के बारे में बताया था, आज का टॉपिक दोस्तों नैनो टॉर्च से संबंधित नहीं है। आज का टॉपिक दोस्तों घरेलू मीटर संबंधित है। घरेलू मीटर बोलो या फिर दुकानदार भाइयों के जो मीटर लगता है, अलग से जो मीटर लगाते हैं अपने सिंगल फेज का, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किराएदारों के लिए सबसे अच्छा मीटर कौन सा होता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि कोई कोई मीटर ज़्यादा रीडिंग निकालता है, कोई बिना चेक किए आ जाता है, टेस्टेड होकर नहीं आता, जिसकी वजह से जो है कभी कभी तो रीडिंग इतनी ज़्यादा निकाल जाता है ना, यूज़ अपने लिया भी नहीं हो। उसका मैं आपको सीधा फंडामेंटल भी आपको बताऊंगा अगर ऐसी कोई समस्या अगर आपको दिखती है तो। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू, साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि मीटर कौन सा अच्छा होता है, इसके अलावा कितने रुपये का आपको देखने को मिलेगा। अनबॉक्सिंग रिव्यू करके मैं साथ साथ बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से खासकर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस टाइप के मीटर की, जैसे बॉक्स पे दिखाया गया है वैसा ही दोस्तों आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा देखते हैं ग्रीन जयपुर नाम से ऐसा कुछ दोस्तों ये कंपनी का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा और प्रीमियम क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का बता रहा है। इसमें एंटी टेम्पर स्टेटिक किलोवाट आवर मीटर ये है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है इसे हम बोलते हैं। इसमें कुछ डिटेल भी अगर देखने को मिल जाए, देखते हैं और क्या क्या इसमें है। इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्लास वन सिंगल फेज 240 वोल्टेज पे काम करेगा, एसी वोल्टेज 2 वायर इसमें लगेंगे और भी डिटेल इसमें जो दिया गया है वो इसमें यही है। अब करते हैं सीधा इनके अनबॉक्सिंग ताकि और भी अच्छे से आपको समझा सके कौन सा तार कहाँ लगाया जाएगा। दोस्तों बॉक्स पर दिखाया गया था सेमी मीटर आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों क्या क्या ISI मार्क का दोस्तों इसमें ऑल मार्क लगा हुआ है और इसमें अलग अलग इंडिकेटर दिया गया है, अलग अलग इंडिकेशन के फेज का पॉइंट भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको सीरियल नंबर भी देखने को मिलेंगे, इसमें ऑलरेडी इसमें दिया गया है। 240 वोल्टेज भी दोस्तों ये प्रॉपर काम करता है, मतलब सिंगल फेज मीटर 240 वोल्ट लेगा और 2024 का नई मैन्युफैक्चरिंग का है और गारंटी पीरियड भी है दोस्तों। अगर एक साल के अंदर ही ख़राब हो जाता है तो दोस्तों दुकानदार भाई आपको दूसरा जो है मीटर सब मीटर आपको दे देता है। मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस दिया गया है दोस्तों, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ये मैन्युफैक्चर करता है इसको। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें दोस्तों यूनिट का होल मार्क दिखा हुआ है आपको, यूनिट जैसे जैसे दोस्तों निकलेंगे चेक किया हुआ है दोस्तों, टेस्टेड है। और इसके अलावा अगर आप कनेक्शन करना चाहते हैं मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं। सप्लाई के पॉइंट आपको इधर वाले पॉइंट से निकालने, इधर वाले पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे, दो पेज यहाँ पर लगे हुए हैं, मतलब सप्लाई के तार न्यूट्रल फेज के इधर लगाने हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें सप्लाई का लोडिंग का सप्लाई का बताते हैं, लोडिंग का तार जो है आप यहाँ से जो दोस्तों दोनों तार निकाल सकते हैं। प्राइस की दोस्तों बात करें तो मार्केट में आपको जो है इस टाइप का जो सब मीटर है 200 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा विद इन एक साल की गारंटी के साथ। आपको अलग अलग कंपनियों का दोस्तों जो है सब मीटर देखने को मिल सकता है, जैसे अभी ये वाला दिखाया मैंने आपको ग्रीन जयपुर का है, ये वेक्टस का है। तो दोस्तों इस टाइप का मीटर आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले मीटर की, तो इसकी भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है, इसे सिंगल पेज 2 वायर वाला ये मीटर है, तो इसको भी दोस्तों मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये वाला तो दोस्तों मीटर ये भी सब मीटर है लेकिन ये डिजिटल वाला मतलब कि इसमें लाइट आएगी तो नंबरिंग आपको देखने को मिलेगा, LED इसमें लिख रहा है, वैसे आप देख पा रहे होंगे LED वाला है तो इसे डिजिटल मीटर बोला जाता है। ये भी दोस्तों सेम 5 से 30 एम्पीयर तक प्रॉपर काम करेगा और टेस्टेड है, इसमें लिखा हुआ ओके टेस्टेड है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो गारंटी पीरियड है 1 साल की गारंटी आपको देखने को मिलेगी और सीरियल नंबर भी दोस्तों इसमें दिया गया है। इसके अलावा और भी चीज़ इसमें दी गई है, आप देख पाएंगे एक सिंगल फेज 2 वायर AC 240 वोल्टेज और मैक्सिमम दोस्तों जो है आप 30 एम्पीयर तक इस मीटर को काम में ले सकते हैं। तो इस टाइप का मीटर अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो ये आपको जो है मार्केट में 300 से 350 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको दो सप्लाई के तार मेन वायर जिसमें दिख रखा है, मेन सप्लाई के तार आपको यहाँ से निकालने होंगे, तो इसके लिए आपको इस पेज को खोलना पड़ेगा और इस पेज को खोलने के बाद आपको यहाँ पर दो तार जो मेन सप्लाई के तार हैं यहाँ पर लगाने पड़ेंगे और लोडिंग के तार यहाँ पर, मतलब जो चीज़ आप चलाना चाहते हो बोर्ड के माध्यम से या कुछ भी माध्यम से, तो यहाँ से आप जो है इसके लोडिंग के तार इस मीटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।